मार्क स्टोनिस और निकोलस पुरन के शानदार परफॉर्मेंस से लखनऊ सुपर जर्नी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आखिरी गेंद के रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। इस खेल के बारे में बोलते हुए एलएसजी ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाज के लिए आमंत्रित किया। आरसीबी ने अपने शीर्ष तीन बल्लेबाज कोहली, फोफ डी प्लेसिस और मैक्सवेल के रूप में 212 विशाल स्कोर पोस्ट किया और शानदार अर्धशतक बनाए। एलएसजी ने अपने रन चेज की शुरुआत भी बहुत खराब की क्योंकि वो पहली बार उम्मे बाद 23 मैच जीत का संघर्ष कर रहे थे। बाद में मार्क स्टोनिस और निकोलस पुरन के 15 गेंद के अर्धशतक ने खेल के रंग को एलएसजी के पक्ष में बदल दिया। 20 ओवर के इस विशाल लक्ष्य के पीछे करने के लिए अर्शन पटेल मैच के अंतिम ओवर के शानदार ढंग से खेल कर क्योंकि वो आखिरी ओवर में 5 रन